नमस्कार साथियों, समाधान के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज विकास की बात मुखिया जी के साथ कार्यक्रम में आज हम लोगों के साथ चितमाडी पंचायत की मुखिया श्रीमती सजला देवी जी हैं। और आज इनसे जानेंगे कि किस तरीके का विकास चितमाडी पंचायत के अंतर्गत हुआ है और किस तरीके की समस्याएं चितमाडी पंचायत के अंतर्गत अभी वर्तमान में बनी हुई है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मुखिया जी हमारे YouTube चैनल पर। सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूं जी। और अब आपसे हम यही जानना चाहेंगे मुखिया जी, सबसे पहले कि अभी आपके पंचायत में जो विद्यालय हैं वहां पे किस तरीके का पठन पाठन का कार्यक्रम से बच्चों के हमारे पंचायत की विद्यालय में बहुत अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जी। और क्या शौचालय का उपयोग वहाँ हो रहा है? शौचालय बने हैं आपके? हाँ, हमारे विद्यालय में शौचालय बने हुए हैं और सभी बच्चे वहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं जी। तो आप जाती हैं कभी देखने के लिए? जी हाँ, मैं सप्ताह में एक बार या दो बार जरूर मैं जाती हूँ जी। अब वहाँ पे एक हाई स्कूल है, नावाहार हाई स्कूल जी, उसकी क्या स्थिति है? वहाँ पे कुछ कंप्लेन आया था कुछ दिन पहले कि शिक्षकों की कमी है, क्या आप जानती हैं इस बारे में? हाँ, वहाँ पर शिक्षकों की कमी है जी। बच्चों की संख्या लगभग हमको लगता है 600 या 700 होंगे जी। और वैसे में शिक्षकों की कमी है जी, तो इसके लिए कोई विभाग पहल किए हैं आप लोग, किसी को बताएं? हम लोग ऐसे किए थे कि जो सर लोग रिटायर कर गए हैं वो सर लोग को हम लोग मतलब अपने द्वारा ही जी पैसा दे करके जी और बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था किए थे। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी उसमें कुछ पहल हो पाया है? अभी तो एक दो को सर गए थे, फिर फिलहाल उन लोग छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, विद्यालय है वो, उसमें क्या बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल रहा है? जी मिल रहा है। हाँ, सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बहुत अच्छे से मिल रही है जी, बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है। हाँ। जी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पंचायत में कुल लगभग कितने शौचालय बने होंगे? हमारे पंचायत में जी, हमारे पंचायत में 815 शौचालय बने हुए हैं जी, जिसमें मेरा 95% यूज हो रहा है जी, और बाद बाकी जो है सो कम हो रही है जी। अच्छा, आप जैसे शौचालय का और भी उपयोग हो सके, चूंकि ऐसा नहीं लगता है कि ये आंकड़ा 95% उपयोग का एक तरीके से सही नहीं देखा जा रहा है, चूंकि हम लोग भी पंचायत जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग जानते नहीं है, इसके लिए आप कुछ पहल किए कि जो लोग जानते? मैं अपने पंचायत में जा करके लोगों को समझा रही हूँ और यह कह रहे हैं कि शौचालय का प्रयोग आप लोग सभी दीदी लोग प्रयोग करें जी। जी आपसे अब जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके अंतर्गत कितने आवास बने हैं आपके पंचायत? हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना 105 बने हुए हैं, कंप्लीट हो चुका है जी। जी तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका सूची में नाम आना चाहिए था, चूंकि 2011 के सेक डाटा से इन लोगों को बना है अभी तक, वैसे में और जो जिनके छूट गए उनके लिए आपने क्या पाया? मैंने उन लोगों के लिए रिकॉर्ड की तैयारी की है जी, जिसमें उन लोगों को मिलेगा जी, मिलेगा। हाँ। जी आपसे जानना चाहते हैं कि अभी कृषि के संदर्भ में आपसे हम जानना चाहते हैं कि किसान भाइयों के लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था आपने अपने पंचायत के अंतर्गत? मैं किसान भाइयों के लिए जी कुएं की मतलब सिंचाई के लिए कुएं दिए हैं और डीजल पंप, फसल बीमा कराई है जी। तालाब भी बने हैं आपके? हाँ, तालाब भी तालाब बने हैं? 10 तालाब बनाई है मैंने जी। जो तालाब बने हैं वो मनरेगा से बने हैं या चौकदमे वित्त से बने? नहीं, मनरेगा से बना है। मनरेगा में क्या जो तालाब बने थे उसमें निबंधित मजदूर काम कर रहे थे या फिर मशीन काम कर रहा? नहीं, मजदूर काम किए थे। मजदूर काम किए थे। तो वैसे में 10 तालाब आपके यहाँ बने जी। तो वैसे में सिंचाई की जो व्यवस्था है अभी आपके जो क्षेत्र है, आपका जो पंचायत है, वहाँ क्या किसानों में जो असर पड़ा है धान का, वो आपको क्या लगता है कि वो सुखाड़ घोषित होना चाहिए या फिर ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है अभी? मतलब उन लोग अभी तो फिलहाल सुखाड़ी महसूस हो रहा है उन लोगों को, क्योंकि तालाब में उतना बारिश नहीं हुई जी, जी तालाब में पानी नहीं है जी जी। और डोभा भी बने हैं आपके यहाँ? जी जी, डोभा चौकदमे वित्त से बना था, मनरेगा से। अच्छा अच्छा, मनरेगा से बना था। इसमें कितने डोभा बने हैं तकरीबन? लगभग हमने 100 डोभा बनवाए हैं जी। जी अब आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान में आपके यहाँ पीसीसी भी बना होगा जी? जी कितने पीसीसी बने हैं आपके यहाँ?
18 PCC बने हैं। अच्छा, 18 PCC बने हैं आपके यहाँ। तो वैसे मैं आपसे अब हम जानना चाहते हैं मुखिया जी कि अभी आपके पंचायत में पानी पीने की क्या व्यवस्था है, लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है या फिर चापाकल या कुआं से पानी पी रहे हैं? हमने लोगों के लिए अभी जल मीनार वाला भी जी काम करवाए थे, पहले तो बंद हो चुका था जी, लेकिन अभी हमने जल मीनार का काम किए हैं पानी पीने के लिए जी। तो उससे क्या लोगों को पानी, स्वच्छ पानी मिल रहा है? जी स्वच्छ पानी मिल रहा है जी। अब आपसे जानना चाहते हैं स्वास्थ्य के बारे में, जो आपके पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, उसकी क्या हालत है अभी? उसकी स्वास्थ्य केंद्र अभी तो चल ही रहा है जी, और लोगों के लिए मैंने मच्छरदानी का वितरण कराई थी जी। ऐसे में जो आपको बताना चाहेंगे कि नावाहार उप स्वास्थ्य केंद्र एक है, वहाँ पे जो भवन है वो काफ़ी जर्जर है, वहाँ बिजली और पानी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नहीं देखा गया है जी। वैसे में आपको लगता है कि वो सही है? वहाँ डॉक्टर आते हैं? हाँ डॉक्टर तो जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, लेकिन भवन की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत जर्जर है जी। ऐसे में आप मांग करना चाहेंगे कि भवन बने? हाँ भवन बनना चाहिए जी। आपसे जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में आपको कितना मानदेय मिल रहा है? मानदेय मिलता है मुखिया जी हम लोगों को जी 1000 रुपये मिलता है। तो वैसे में आपको लगता है कि 1000 रुपये में गुजारा हो जाएगा? वैसे तो गुजारा नहीं है लेकिन जी उसी तरह हम लोग का चल रहा है। तो आप मांग करना चाहेंगे कि इसमें बढ़ना चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए? जी जी बढ़ना चाहिए जी। और पारा शिक्षकों के बारे में कुछ बात आप रखना चाहेंगे? पारा शिक्षक जितने स्तर से अपना काम करते हैं, जिस तरीके से मेहनत करते हैं जी, उस हिसाब से उन लोगों को कहीं ना कहीं मानदेय बहुत कम मिलता है। वैसे में आप उन लोगों के लिए कुछ बात रखना चाहेंगे? मैंने उन लोगों के लिए उन लोग का वेतन ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना सरकारी टीचर मेहनत करते हैं उतना ही पारा शिक्षक भी मेहनत करते हैं जी। तो बढ़ना चाहिए जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और ये थी चितमांडी पंचायत की मुखिया सजला देवी जी, और जिन्होंने अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखा, और इनका कहना है कि मुखिया का जो मानदेय है वो 1000 रुपये है, ऐसे में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं मानदेय बढ़ना चाहिए। साथ ही पारा शिक्षकों के लिए भी इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकारी शिक्षक काम करते हैं उसी हिसाब से कहीं ना कहीं पारा शिक्षक भी काम करते हैं, तो उन लोगों का भी मानदेय बढ़ना चाहिए। और साथ में इन्होंने अपने पंचायत में हुए विकास के कार्यों को बहुत बखूबी तरीके से रखा। और बने रहिए आप समाधान के यूट्यूब चैनल के साथ, मैं कैमरामैन जयशंकर के साथ, बेंगाबाद गिरिडीह।